गांव का नाम लिखा हुआ है मिनियन मोंगा, प्राउड टू बी 2% वाले। जब मैंने इसका मतलब पूछा यहाँ पर एक भाई साहब से, तो उन्होंने बताया 2% वाले। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ देश में अभी आबादी सिखों की? 2%। यहाँ पे हमने सब्जी बीजी है जी गर्मियों के लिए, ये बैंगनी है जी, भिंडी है। अब गर्मियों में ये खाएंगे, वो अपनी खुद की उगाई हुई यहीं पे इसी जमीन की उगी हुई सब्जियाँ खाएंगे। आपको कोरोना का डर है, फोर्स को कोरोना का डर नहीं है, वो इंसान नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाउ इंडी और मैं फलक इरफान आज मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पर। टीकरी बॉर्डर पर पिंड कैलिफोर्निया तक तो मैं पहले गई थी, लेकिन वहाँ से आगे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पकोड़ा चौक तक जाता है। ये मैं आपको दिखा दूँ, एक साइड पूरा खेत है और ये सीधा जो रास्ता है ये पकोड़ा चौक तक जा रहा है, जहाँ पर उग्राहा वाले का स्टेज लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर इतना लंबा हाईवे है और मैं पीछे से चलती आ रही हूँ और यहाँ किसानों के जो हैं यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं। मैं हैरान थी कि इतना लंबा रास्ता मैं आज तक यहाँ क्यों नहीं आई। मैं हमेशा टीकरी बॉर्डर पर जहाँ मेट्रो लाइन है वहाँ तक रही, थोड़ा सा आगे पिंड कैलिफोर्निया तक आई, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो उससे और ज़्यादा आकर्षित करने वाला है। यहाँ और भी ज़्यादा किसान जो हैं मुझे यहाँ देखने को मिले, उनकी व्यवस्थाएँ देखने को मिली। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्राउड टू बी 2% वाले। और ये कलाकारी जो है ना, ये जो बोतल के ढक्कन होते हैं उनसे करी गई है। यहीं दूसरी तरफ ये देखिए किसानों का आंदोलन है, किसान जहाँ मौजूद होंगे वहाँ पर भी जो है वो सिंचाई करना शुरू कर देंगे। ये देखिए पौधे जो हैं सींचे जा रहे हैं, यहाँ क्यारियाँ बनाई गई हैं जिस तरह से आप खेतों में देखते हैं। किसान हैं, 4 महीने से बैठे हुए हैं, कुछ काम भी चाहिए यहाँ करने के लिए, तो भाई यहाँ पर सौंदर्यकरण ही कर रहे हैं। अंदर की ओर आएंगे, दूर दूर तक जहाँ आपकी ये हाईवे पर नज़र जाएगी वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, किसानों के रहने की जगह, उनके पंडाल दिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ कितने सारे जो है किसान यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इन्हें दूर से देखा तो मैंने सोचा ये आप तक तस्वीर ज़रूर जो है वो पहुँचानी चाहिए मुझे। यहाँ पर ये देखिए क्लिनिक भी यहाँ पर जो है ये बना हुआ दिख रहा है, दवाइयों का लंगर शुरू से दिखाया है, हर चीज़ की यहाँ पर जो है सेवा की जा रही है। जी ये क्या क्लिनिक है जी ये? हाँ जी हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ये ना बाबा लखवीर सिंह जी वालों तो सरबत का भला डॉक्टर एस पी ओबराय वालों चल रहा, दवाइया का फ्री लंगर आ, दिन रात 24 घंटे इतें ही आ, इतें ही सेवा करते हैं जी। आप भी किसान परिवार से हैं या फिर आप कैसे आप यहाँ पर? हाँ जी किसान परिवार से हैं, तो अभी तो बैठे हैं। हाँ जी इतें ही रहेंगे जो तक निबड़ता नहीं, इतें ही हाँ। और आप डॉक्टर भी हैं? हाँ जी हाँ। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का योगदान भी हमने देखा है, शुरू से आपको दिखाया है। यहाँ पर एक और दवाइयों का लंगर है, यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि दवाइयों का लंगर है और इसके साथ साथ लंगर तो चलता ही है, लाइब्रेरी भी यहाँ पर जो है मौजूद है। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है हमारे साथ यहाँ पर पंजाब के किसान जो है मौजूद हैं। सत श्री अकाल बाबा जी। जी 4 महीने हो गए हैं यहाँ पर आप लोग जो हैं शुरू से डटे हुए हैं बाबा जी। हाँ जी, क्या लगता है आगे क्या होगा? इत्थे बैठे सानू कोई महसूस नहीं, अहीं डटे हुए हैं, साड़ी चढ़दी कला सानू जो भी रासन जो भी सानू किसे सकदे हां तंगी नहीं, सानू सब कुछ इत्थे मिल रहा। पर हुण असीं इह करके इत्थे आण के साडा मन खलोता भई मोदी नूं हुण मानना चाहीदा। इन्नी बीती कदी भी किसे राजे दी जां किसे दी होई नहीं, कोई MLA दी किसे दी होई नहीं जिन्नी इन्हां दी बीती होण रही आ। इनू हुण मन देना चाहिदा, इन्नी बीती महसूस करके भी, इन्नी संगत भाल के भी इनू हुण मिलना चाहिदा भी मेथों चलो जे गलती हो गई पर अजे मैनू माफ़ कर दो ते मैं तुहाडे जिहड़े काले कानून लिखे ने मैं तुहाडे वापस कर देना। तो
आपने देखा यहाँ पर कि दो यहाँ पर जैसे निहंग सिंह बाबा जी यहाँ मौजूद हैं और हमने दिखाया कि किस तरह से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त किसानों के आगे आए थे निहंग सिंह। और सिंगू बॉर्डर पर भी हम आपको नज़ारा दिखा चुके हैं जहाँ सबसे आगे आपको पंडाल दिखेंगे तो वो आपको इन्हीं के दिखेंगे। इन्होंने किसानों के इस आंदोलन का जो जत्था है वो अपने एक हाथों में लिया और इन्होंने ही किसानों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। बाबा जी सत श्री अकाल, कितने दिन जी आपको हो गए हैं यहाँ पर डटे हुए? 4 महीने हो गए जी यहीं पर हैं आप लगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, 4 महीने हो गए हैं। सर्दी का मौसम देखा आप लोगों ने, बारिश का भी देख लिया, अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं। हाँ जी, ये भी लंघ जाने जी, इतना आगे लंघिया सारा समा जी। हाँ जी, असीं डटे कैसे आगे, गर्मियों में कैसे चलेगा? ऐसे ही चल जाएगा, एसी वगैरह और पखे कूलर सानू इत्थे एसी भी आउण डे ने, कूलर भी आउण डे, सानू बत्ती दा भी सब कुछ प्रबंध है इत्थे, सानू किसे गल दी कमी नहीं। जे किसान आण के डटे ने, ये ठंड भी सह सकदे ने, गर्मी भी सह सकदे ने, इस गर्मी उत्ते आण के असी ये नहीं भी असी हार जावांगे जां पछां हार जावांगे, असी गर्मी भी महसूस कर लांगे, असी जिमीदार आ, खेती करन वाले आ, असी गर्मी भी झल सकते, ठंड भी झली आ, सानू किसी गल की परवाह नहीं, सानू जो भी हो वेखी जाएगी, पर असी ये मोर्चा जित के जावांगे। तो इस किसान आंदोलन की प्रेरणा हिम्मत रहे हैं ये। और यहाँ अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारे किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबू जी यहाँ पर सारे पटियाला वाले ही हैं? अलग अलग पटियाला वाले भी अलग अलग। जैसे मैं पहली बार आई हूँ यहाँ और मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी दूर तक ये जो आंदोलन है अब यहाँ पर डट चुका है, क्योंकि नेशनल मीडिया में कहते हैं कि किसान तो अब वापस चले गए हैं। यहाँ पर सारे पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले भी हैं? पंजाब हरियाणा वाले दोनों हैं, दोनों मिलकर हैं। हाँ जी जी। आप कब से आए हुए हैं? मेरे को 2.5 महीने हो गए जी। अच्छा, यहीं हैं आप? हाँ जी। तो कैसे 2.5 महीने कैसे काटे आपने? ऐसे ही काट ले जी, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम खेतों में काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और बुजुर्ग भी मौजूद है, वहीं नौजवान भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और शुरू से इस किसान आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा कहते हैं मजबूत ती से जिसने इस आंदोलन को पकड़ा है वो रहे हैं लंगर, क्योंकि लंगरों की जो एक सेवा भाव होती है वो सरबत दा भला होती है। और हमने शुरू से, हमारे चैनल हाउंडी ने शुरू से जो है आपको यहाँ किसान आंदोलन के अलग अलग जो है रंग दिखाए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने किसान यहाँ पर मौजूद है, यहाँ हरियाणा के किसान भी मिलेंगे आपको और पंजाब के भी। 4 महीने से लगातार डटे हुए हैं, इनके चेहरे पर हालांकि आपको मायूसी नहीं दिखेगी। मायूसी होती है आपको? बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत अच्छे से बैठे हैं, हम पंजाब से हैं आए हैं, तो हमें तकरीबन 4 महीने हो गए हैं जहाँ पर, तो अभी हम जहाँ जब तक जो आंदोलन चलेगा बैठेंगे, हम जो तीनों काले कानून वापस कराएंगे और MSP पे गारंटी कानून लेके जब मिलेगा तब जाएंगे, उतनी देर तक हम नहीं जाएंगे जहाँ से। और वो मोदी पे डिपेंड है, वो कब का जो कानून रद्द करता है कब नहीं करता है, जे 2024 तक रहेगा तो तब तक भी हम रहेंगे, ठीक है। जे अभी बंगाल में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है उससे कुछ पता लग जाएगा, जो हार गया तो अभी हो जाएगा रद्द, नहीं तो फिर 22 में पंजाब में इलेक्शन है, वहाँ तो मोदी का कोई आधार ही नहीं है, वहाँ पर तो इसको कोई वोट पड़ेगी नहीं। अभी कुछ दिन पहले मलोट में इनका एक विधायक पीटा गया MLA, ठीक है, उसमें हमारे मलोट में इसने 307 के काफ़ी पर्चे दर्ज हो गए हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही है। इधर 300 किसान मर गया है, डेथ हो चुकी है उसकी, पर उसका पर्चा भी तो होना चाहिए ना, 302 सीधी बनती है मोदी पे, वो क्यों नहीं हो रही? वो जो यहाँ पर शहीद हुई हैं उसका भी तो जिम्मेवार मोदी है ना, उसका भी तो फिर बराबर पर्चा होना चाहिए मोदी पे, 302 होनी चाहिए। वो वहाँ पर तो किसी ने उसे कुछ कहा भी नहीं, मामूली सी हाथापाई हुई और उसके कपड़े फट गए, तो किसानों पर 307 लग गई, ठीक है ना? इनका सवाल है कि पंजाब में जब BJP MLA नारंग को जब वहाँ पर किसानों ने उन्हें वहाँ पर उनके साथ हादसा हुआ तो वहाँ पर जो किसान थे उनके ऊपर तो केस हुए, लेकिन जो किसान यहाँ शहीद हुए
उसके खिलाफ सरकार के ऊपर केस नहीं हुए। इन किसानों की जो यहाँ पर शहीदी हुई है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? बंगाल में गए किसान, आपको क्या लगता है बंगाल में कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, बंगाल में कुछ बहुत फ़ायदा होगा। इससे जो 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 वहाँ के लोग हैं, अवाम है, वो सचेत हो रही है, उनको मोदी की नीति का पता लग रहा है। ठीक है, वो इससे सचेत हो रहे हैं, वो उनको अपना जो पंजाब में हो रहा है, जहाँ हो रहा है हरियाणा में, जो उसको भी अपना फ्यूचर पता दिखने लग गया भी हमारे साथ भी यही होगा जी अगर मोदी जहाँ आ गया तो। इससे फ़ायदा तो बहुत होगा, पर ये देखना पड़ेगा भी ये कितने समय तक नहीं मानता। अगर और भी स्टेट में इलेक्शन होंगे, जे लागे चला आंदोलन, तो वहाँ भी किसान जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये हरियाणा की जो सरकार है उसकी सरहद में इस वक्त हम मौजूद हैं। और दुष्यंत चौटाला के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे, जहाँ जहाँ जाते हैं किसान उन्हें पीछे से जो है खदेड़ देते हैं। देखो जी, पीछे जो असी कोठी भी घेरी सी, ठीक है जी, तो उदों भी वह भज गया जी। ठीक है जी, तो हुण क्योंकि वोटां मंगण ते आऊगा जी। ठीक है जी, तो असीं उहनूं पिंड दे विच नहीं वड़न देवांगे, भावें बीजेपी का कोई है जी। ठीक है, कला दुष्यंत नहीं, कोई है बीजेपी का, उहनूं असीं पिंड दे विच नहीं वड़न देवांगे जी। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, मुझे याद आया कि अभी हाल फिलहाल में आजकल नेशनल मीडिया में कोरोना को फिर से लाया जा रहा है, पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है। पंजाब में तो आप ही की अपनी सरकार है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये कोरोना की आड़ में बहुत कुछ करते हैं। जब फोर्स लगती है हमको बोलते हैं आप किसान इतनी गिनती में हो, आपको कोरोना का डर है। फोर्स को कोरोना का डर नहीं है, वो इंसान नहीं है, उनको उनको नहीं इन्फेक्शन होता। ये बिल्कुल झूठ है, सरकार की पॉलिसी से कोई कोरोना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए भी ऐसा कुछ रणनीति बनाई जा रही हो? नहीं, देखिए रणनीति जो मर्जी बना लें, जब तक ऊपर वाले का किसानों पर हाथ है, हमारे कुछ को हमको कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, हम जाएंगे और जरूर जीत कर जाएंगे। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ यहाँ का नज़ारा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये हाईवे जो टीकरी बॉर्डर से आगे आकर पकोड़ा चौक की तरफ जा रहा है, और यहाँ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। यहाँ जो भी किसान यहाँ पर हमारे मौजूद हैं उनसे भी हमने बातचीत करी, और आज बता दूँ गर्मियाँ धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आज जब मैं यहाँ आई, इतनी ज़्यादा धूल, इतनी ज़्यादा मिट्टी, मेरे चेहरे पर भी पूरी समझिए कि मिट्टी इतनी देर में जो है वो चिपक चुकी है। और ये पूरा जो आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरा खेत है ये, ये देखिए हाईवे के दूसरी तरफ पूरा खेत है जहाँ जिस हाईवे पर हम खड़े हुए हैं। ये शायद अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो सरकार के काम भी हल्के ही होते हैं, उसके बाद आंदोलन भी यहाँ पर चल रहा है। ये पूरी जो हाईवे आप आगे तक जाएंगे वहाँ तक आपको ये किसानों से भरा हुआ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन में किसान पीछे हट रहे हैं या फिर वो कम हो रहे हैं, जितने हैं वो डटे हुए हैं, बाकी अपने अपने घरों से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ किसान आते हैं, कुछ किसान जाते हैं, रणनीति है ये, क्योंकि लड़ाई लंबी है। शायद ये इन्हें भी समझ आ गई है और इसी तरह से ये लड़ाई जो है ये जीतना चाहते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो खैर देखा जाएगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आयुषी के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।